2:02 पे तो गाइज आज का व्लॉग होने वाला है। मुझे मैंने उसपे इंस्टाग्राम पे वो लगाया था क्वेश्चन का, कुछ पूछो तो उसपे कमेंट आया था, वो कमेंट नहीं आया था, क्वेश्चन आया था कि अपनी अम्मी से बिरयानी की पूरी रेसिपी का व्लॉग डालो। तो गाइज आज वो दिन आ चुका है जब हम बिरयानी की रेसिपी बनाएंगे। गाइज मैं भी मुर्गा उर्गा सब चीज लेकर आ चुका था, जो जो उसमें डलता है बिरयानी में सब चीज लेकर आ चुका था, मैं बिल्कुल बैठा था। और गाइज अभी हम आए थे, मैं अभी उठावा 7 बजे का हूँ और भाई के साथ गए थे। आज भाई का 2 महीने की थी ना, देखो गाइज 2 तारीख है हो रही, तो गाइज लर्निंग पे गए हुए थे भाई की। और भाई बाइक में तो पास हो गया गाइज, लेकिन कार में मैं बताऊँ क्या सीन हुआ, ये उसी के व्लॉग में देखना गाइस क्या सीन हुआ, बड़ा दुख वाला सीन हुआ गाइस, जरूर देखना उसके व्लॉग में। बिरयानी की रेसिपी देने के लिए तैयार हो? तैयार। तेज की बोलो। ये क्या होता है? जजवा। अम्मी गाइस तैयार है, आज हम देंगे आपको कौन सी बिरयानी की रेसिपी? बिरयानी की मुर्गे की बिरयानी की फुल चटपटी गाइस, जिसको चटपटी खानी है रेसिपी देंगे, व्लॉग नहीं। हाँ गाइस ये व्लॉग नहीं है, ये रेसिपी है गाइस। ये व्लॉग होने वाला है आंटियों के लिए और लड़कियों के लिए। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। जिन्हें बिरयानी बनाना पसंद है, लड़के बहुत खाते हैं बिरयानी, फेमस होते हैं। लड़के बनाते नहीं है ना, वो खाते हैं। हाँ गाइस जो लड़के भी लोग देख रहे हो अपनी अम्मी को दिखा देना, बनवा के खा लेना। आज सुबह से तो हम वहाँ गए हुए थे भाई का वो देने, कहाँ गए थे हम आज मुझे मैं भूल गया, पता नहीं किस जगह गए थे। हाँ बस लर्निंग का टेस्ट देने गए थे भाई का। और आपको ये देखना कि कार और वो बाइक में पास हुआ या फेल हुआ तो वो उसके व्लॉग में देखना, उसके चैनल का नाम है अरवान व्लॉग, और गाइस सब्सक्राइब भी कर दो। आज इतने हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं गाइस, थकान हो गई है, हम चाय लवर तो वैसे ही है। गाइस हमारा बिरयानी बनने से पहले ही पोपट हो चुका है, और पोपट क्या हो चुका है, हमारा पोपट ही हो चुका है। इसकी तो डेट टूट गई और इसका ये ढील हो गया, बार बार सीटें निकल ली है, देखो गाइस ये ढील हो रहा। तो चलो गाइस बिन देरी के जल्दी से ठीक करा के आते हैं, और हमें बिरयानी खाने की बहुत लग रही है तो इसलिए हम जल्दी से ठीक करेंगे। कौन है ये देखो एक कपड़े में क्या कर दिए, मैंने कूकर दे दिया आधे घंटे के लिए, लग जाएगा दुकान पे दे दिया भाई ने, तो चलो भाई घर चलते हैं। मैं घर पे नहीं गया था, मैंने कहा आधा घंटा अंकल ने 15-20 मिनट में सही कर दिया, तो मैं ले लेता हूँ। अंकल बोल रहे हैं अंकल पे भीड़ हो रही है, तो गाइस मैं अभी लेके चलते हैं फिर डायरेक्ट घर, फिर बनेंगे बिरयानी। बता दूँ आपको मैंने क्या क्या सही करवाया, एक ये डलवाया है और एक ये डलवाया है और ये टाइट करवाया और ये ढक ये लगवाई है, आप करोगे एक आगे ये इसके अंदर है। गाइस हमारा कूकर हो चुका है रेडी, और ये अम्मी ले आया मैं कूकर, कहते बेटी अकेली। मैंने अम्मी को दे दिया कूकर, तो गाइस माल वाले आए थे अब्बू के दोस्त भी, और मैं उनके लिए लेने जा रहा हूँ चाउमीन, और एक और चीज बताई थी क्या, वो थम्सअप बताई थी, चलो जाओ जल्दी से गाइस मैं चाउमीन ले आता हूँ। और अम्मी तुम्हारी बिरयानी में कितना टाइम लगेगा? बस वो तो बिरयानी, अच्छा तुमने कूकर में डाले गाइस चावल में वाली है ना, हाँ इसमें सौंफ धनिया हरी मिर्च साबुत गरम मसाला, अच्छा ये उबाल लगा दिए बस, मुर्गा जल्दी गल जाता है ना, तो अब हम बनाएंगे इसकी तैयारी करते हैं। अच्छा इसकी तैयारी करेंगे, हाँ। और वो गाइस मान के दिखाऊंगा, मम्मी इतना करियो मत, ठीक है पागल है क्या, कर दोगी? नहीं बस रिफाइंड डाल के प्याज भी रोन कर रहे हैं, इतना ही बता। अच्छा गाइस इतने में सामान ले रहा हूँ, तब मेरी रिफाइंड डाल के प्याज ब्राउन कर दी है, तो गाइस मैं इतने जल्दी से ले आऊंगा इतने, क्योंकि मुझे आप सबको दिखाना, क्योंकि ये बिरयानी का व्लॉग है गाइस, तो जल्दी से हम तुम प्याज वो ये डाल के प्याज ब्राउन कर दो, मैं सामान लेके आ रहा हूँ, ठीक है गाइस जल्दी से चलते हैं अपनी कल्लो पे। ये लगा दी मैंने चाबी, ये स्टार्ट, हाफ प्लेट चाउमीन करा दो और एक थम्स अप दे देना आधे लीटर की। भाई जी लग रही है अब अपनी चाउमीन, मैंने दोनों चीजें ले ली हैं। गाइस अम्मी देता हूँ अम्मी की रेसिपी, आ गए अम्मी यार तुम टेंशन ना लो। गाइस अम्मी ने प्याज ब्राउन कर दिया, इसमें से निकाली है, ये इसमें से निकाली गाइस, इतना बनाई थी इसकी, अच्छा इसमें डाल जा, ये डाल जा, छींटे तो हर किसी में आती है अम्मी, गाइस जी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसमें क्या क्या डला हुआ है, टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जावित्री का पाउडर है, ये गाइस जावित्री का पाउडर है, तो इसका क्या करना है, इसे इसमें डालना है, तो गाइस ये डाल दिया, ये हरी मिर्चें, तो भाई हरी मिर्चें ना अम्मी ने इमाम गस्ते में कूट ली है, हाँ, ये भी इसमें डल गए, अब इसे थोड़ा सा चला लेती हैं गाइस, ये अकनी का पानी है ये रहा, इसका क्या इसे क्यों डाल लियो इसमें, इसमें डलेगा ना, इसमें अच्छा तो टेस्टी होता है ना सारा, हाँ गाइस इसमें सारा टेस्ट होता है, छान नहीं सर
ये नहीं आए, इसमें साबुत मसाले डले हुए ना वो नहीं आए। अच्छा। हरी मिर्चा ही डाल देंगे। अच्छा तो आज ये डलेगा इसमें, ये हरी मिर्चा जो हमने अखनी के संग डाली थी उबाल देंगे। तो गाइस ये डाल दिया आराम से, मम्मी ये डल गया सारा, ये डलेगी बासमती चावल। तो गाइस ये कच्ची बासमती चावल, और गाइस ये डालेंगे अभी, चावलों का टाइम आ चुका है, ये डाल दो। गाइस मम्मी हमें महफिल मिल चुकी है पानी मिलाते हुए। पानी हमें हर खाने में मिलता है, मैं पानी डालते भी पकड़े जाती हूं। हां हर बार पकड़ जाती है। तो गाइस ये पानी डाल के कुकर लगा के फिर दो सीटी के बाद बिरयानी रेडी है नी अम्मी। नमक डाल, अच्छा गाइस नमक डाल देते हैं, अभी से हम मिक्स कर देंगे ताकि नमक एक जगह न लगे। गाइस ये रहा, अब हमने इसमें डाल चुके हैं सारे मसाले वसाले, अब हम लगाएंगे कुकर ढक्कन, ये लगा दिया, हमने लगा दिया। इसमें दो सीटी आएंगे, दो सीटी के बाद दम आएगा 5 मिनट। तो गाइस दो सीटी के बाद इसमें आएगा दम 5 मिनट बाद, ठीक है। तो चलो इतने से यहीं रहने देते हैं। अब रेडी हो रही है हमारी चटनी, इसमें डाला टमाटर लहसुन जीरा और ये साबुत लाल मिर्च, बस गाइस इतनी डलेंगी। वो तो आप चटनी कितनी बनाओ अपनी, लेकिन मिर्च इतनी डलेंगी। हाँ। तो गाइस ये अपनी चटनी रेडी हो चुकी है, इसमें कलर आ गया ऑरेंज, वही डाल दी इसमें, बिल्कुल खाने के लिए रेडी तैयार है। आज मैंने टी शर्ट उतार दी, मुझे गर्मी लग गई थी और ए सी इसलिए नहीं चला रहे, ये बंद है ए सी इसलिए चला रहे, बाहर का जो धुआं होगा ना वो ए सी खींच लेगी, ये धूम गिरा दी। तो गाइस वो धुआं खींच लेगी इसलिए मैंने शर्ट उतार दी, ये री शोम्बा। तो गाइस अब डायरेक्ट मिलेंगे हम आपको दस्तरखान पे। अम्मी लाई है रंग और ये लाई है केवड़ा, इसमें लगा रहे हम सीटी, सॉरी गाइस सीटी निकल ली है इसमें। केवड़े के एक बात बता दूं गाइस, इसका नाम तो अच्छा नहीं है केवड़ा, लेकिन इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आज इसमें डलेगी एक बूंद, बस खुशबू की नहीं होता है। अच्छा ये देखो गाइस ये रंग चढ़ गया रहा, आई अम्मी पूरे में पहुंच जाएगा नीचे तक, फिर पानी मिलाते हुए पकड़ लिया। इसमें फिर से चीनी, वो बिरयानी में चीनी डलेगी जो मैंने पहले कहा था, अरे ये कैसे आ रही है चीनी, ऐसे दोबारा दम पे आएगी। ऐसे हमने प्लेट निकाली है जो नीचे आए हुए हैं तो उनके लिए। आज देखो हमारी बिरयानी आ चुकी है, है माशाल्लाह में खुशबू तो बड़ी तगड़ी आ रही है। और ये क्या मिर्ची डाली तुमने अचार वाली, गाय अचार वाली मिर्ची है बिरयानी में डलती है। तो गाइस मुझसे और अम्मी से तो इंतजार हुआ नहीं जा रहा, मैं जल्दी से प्लेट में कर लेता हूँ। मैंने बिरयानी कर लिया, अब गाइस मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसी बनी है। चटनी के साथ तो मैं बिरयानी खाता हूँ, चटनी डाल के फिर टेस्ट करके बताता हूँ आपको। तो गाइस मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ बिरयानी कैसी है। गाइस बिरयानी हो रही अम्मी एक नंबर, अम्मी तुम भी बताओ कैसी है। मुझे क्या देगा फिर गिफ्ट, जब मैंने बिरयानी अच्छी बनाई तो गिफ्ट होना चाहिए। 5000 व्यूज करवाएंगे ये यो YouTube फैमिली हमारी। 5000 व्यूज दे दो, मैंने इतनी मेहनत करी है कि चांद पे टकला बजा दो ना। एक इज्जत डुबा दी मैं गर्मी में। आज मैं खाना वाना खा के चला गया था नीचे काम कराने, और मैं काम करा के अब नहा धो के दूसरे कपड़े पहन लिए। मम्मी ने मुझे आंटी दे दिया है काम, और वो काम क्या दिया है, ये हमारी कैंची है ना गाइस, ये रही इस पे गाइस धार कम हो गई है, तो गाइस इसे जाफराबाद चलते हैं धार लगवाने। ये देखो ये रही इस पे कम हो गई है गाइस, चलो तो गाइस जाफराबाद चलते हैं जल्दी से धार लगाने। वैसे अम्मी इसका करोगी क्या तुम कैंची का? हाँ गाइस कपड़े सिलते हैं ना तो उसे कटने में आता कुछ, हाँ बयानी नहीं चाहिए गाइस, लड़ाई हो जाती है बजाने से। तो गाइस इसलिए कैंची को हम धार लगवाना, कुछ भी काम होता तो काट लेते हैं। गाइस चलते हैं, दम आ चुके हैं कैंची वालों पर, भाई अब धार लगा रहे हैं तो खोल के, और ये इनका बोर्ड। गाइस हमारी कैंची में धार लग चुकी है, और धार लगी है फुल खतरनाक, देखो गाइस जैसे लग रही है जैसे नई ली है, फुल चमक रही है, इसलिए सोच समझ के बोलना आता। चलो गाइस इधर चलते हैं, मैं आ चुका हूँ दाल लगवा के, और अम्मी से एक्सपीरियंस पूछते हैं। सही है अम्मी, बहुत बढ़िया लगा तो करवा, सही है ना, इस पर कुछ भी ना कट रहा है, क्या क्या लगा उन्होंने, सही है सही कर दी, चमक आ गई। गाइस आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, तो गाइस कमेंट कर देना अम्मी की रेसिपी कैसी लगी, और कमेंट ये भी कर देना गाइस किस किस ने अपने घर पे बनाई। मैंने आपके कहने पे स्पेशल बिरयानी की रेसिपी बनाई है, स्पेशल व्लॉग है गाइस बिरयानी का,
गाइस बनवा के खाओ अपनी मम्मी के हाथ की, और हेल्प भी कराना बनाने में, और मुझे कमेंट भी करना कि भाई मैंने भी खाई। गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो गाइस, 6,500 फॉलोवर्स हो चुके हैं, जल्दी से 10,000 कराओ। तो गाइस आज का व्लॉग यही, गाइस अगर आप आज को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। क्या कर रही है? बाय बाय।